हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट टीचर से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन, चाहे वो आपका गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड रिक्रूटमेंट हो, चाहे आपका जो है पीएचडी एमएससी रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आते हैं उसको मैं रेगुलरली उनके वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं। इसके अलावा अगर आप जो है सीएसआईआर जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, गेट या नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मेरे चैनल पर बायोलॉजी रिलेटेड कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आप जो है मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और सैलरी मेंशन कर रखा है 67,000 पर मंथ। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे गेस्ट टीचर का रिक्रूटमेंट के लिए भी यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें 1500 रुपीज़ जो है वो पर पीरियड के हिसाब से आपको मैक्सिमम जो है 50,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे गेस्ट टीचर अंडर सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए भी आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर पीरियड और मैक्सिमम आपको यहाँ 50,000 रुपीज़ जो है पर मंथ दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे देखिए अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपका 1 गेस्ट टीचर फॉर टीचिंग ऑफ एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 1 गेस्ट टीचर, एचआरएम के लिए 1 गेस्ट टीचर और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड बायोसाइंसेज के लिए 1 गेस्ट टीचर। ऐसे ही यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में भी यहाँ पे जो गेस्ट लेक्चरर की टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में भी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में फॉर रेगुलर प्रोग्राम के लिए 1 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, 1 गेस्ट फैकल्टी की। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आप जो भी आपकी डिग्री जो है पीजी डिग्री जिस भी सब्जेक्ट में हो आप उसके अकॉर्डिंग जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी दे रखी है, एक एलिजिबिलिटी ए, एलिजिबिलिटी बी। एलिजिबिलिटी ए में आपका पीजी डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, और आपका जो है मिनिमम जो है आपका यहाँ पे सीएसआई या यूजीसी नेट आपका हुआ होना चाहिए, या आपका स्लेट या स्लेट बी आप अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी जो अपना 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपका जो है पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपके लाइक पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जाम ने इवेलुएट किया होना चाहिए, आपको ओपन पीएचडी बाय वॉइस होना चाहिए और आपका जो है मिनिमम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके पीएचडी वर्क से। तो इसके अलावा अगर आपने अपना पीएचडी जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पीएचडी किया है वो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में होनी चाहिए, और जो रैंकिंग कंसिडर की जाएगी वो आपकी क्यूएस रैंकिंग, दार रैंकिंग और एआरडब्ल्यूए रैंकिंग जो है वो यहाँ पे लाइक कंसर्न की जाएगी। तो अगर आपका इनमें से किसी भी रैंकिंग में आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तो आप जो इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको jmi.ac.in पर जाके जो है आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं, आपका सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल जैसे अपना नेट का सर्टिफिकेट, आपका पीजी डिग्री, तो इस टाइप से जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना और सेंड कर देना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लास्ट डेट मेंशन कर रखी है वो 8 नवंबर 2021 रखी है, तो आपका हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए 8 नवंबर 2021 से पहले। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।